प्रतिष्ठ ब्रह्मनस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॐ शांति 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 हे देवियो सज्जनों प्यारे बच्चों सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर दयालु कृपालु आनंद स्वरूप हैं और उसने हम पर कृपा और दया करके हमारे कर्मों के फल स्वरूप शरीर दिया है, जिसे पाकर हम उत्तम कर्म करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करें और सुख शांति से जी सके। लेकिन शांति से जीने के लिए हमें वेद के मार्ग पर भी तो चलना है। आइए हम पहले शांति पूर्वक शांति पाठ करते हैं। ओम यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवाः शांतिर् ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। यजुर्वेद के इस मंत्र में मनुष्यों की ही नहीं अपितु संपूर्ण लोकों एवं जीवों की शांति की प्रार्थना की गई है। अब प्रश्न यह उठता है, शांति किसे कहते हैं? शांति उसे कहते हैं जिसमें शांत रहने पर भी एक आनंद की अनुभूति हो। दर्शकगण, जो वेदज्ञ हैं, जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, वे जानते हैं कि यज्ञ करते समय हम कम से कम 25 बार शांति शब्द दोहराते हैं। हमने जो अभी शांति पाठ की उसकी तो नाभि ही शांति है। इस मंत्र में केवल मानव समाज के लिए ही नहीं शांति की प्रार्थना नहीं की गई है, अपितु जड़ औषधि वनस्पति वन उपवन जल थल अग्नि अंतरिक्ष पवन चेतन बल्कि त्रिभुवन और विश्व में शांति की प्रार्थना की गई है। दर्शकगण, वेद ने तो शांति का पाठ पढ़ा दिया है, लेकिन क्या विश्व में शांति है? नहीं, चारों ओर तो अशांति ही दिख रही है। विश्व शांति हो तो हो कैसे? विश्व शांति स्थापित करने के लिए पहले हमें अशांति के कारणों का पता लगाना होगा, साथ ही साथ एकता के बारे में भी विचार करना होगा। वास्तव में मन की अशांति से ही शांति भंग होती है। आज हम जिधर भी देखते हैं, सभी प्राणी कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो संसार है इसमें तीन प्रकार के दुख हैं, जिसे हम तीन प्रकार के ताप भी कहते हैं, और इससे कोई भी प्राणी बच नहीं सका है। पहला दुख, पहला ताप आदि भौतिक दुख है, अर्थात वह दुख जो हमें दूसरे प्राणियों से प्राप्त होता है, जैसे कभी कोई चोर हमारा सब कुछ चुरा ले जाता है, या कोई कुत्ता बिरनी मधुमक्खी या सांप काट लेता है तो हमें दुख पहुंचता है। कोरोना वायरस जो अभी सर्वत्र फैल रहा है एक जीवाणु है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग अस्वस्थ हैं, यह दुख हमें दूसरों से ही प्राप्त हो रहा है। दूसरा दुख या दूसरा ताप का नाम है आदिदैविक दुख। यह दुख हमें प्रकृति से प्राप्त होता है,
जिसे हम देव या देवता कहते हैं, जैसे अग्नि देवता, सूर्य देवता, पवन देवता आदि दैविक। वह दुख है जो संसार के जड़ पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, जैसे जंगल में आग लगना। अभी हाल में आपने देखा होगा कि अत्यंत गर्मी के कारण ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाने से कितने लोगों की जाने गई, कितने जानवरों की मौत हो गई। और हाल में ही श्रीलंका के बंदरगाह में एक जहाज में आग लग जाने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई। बड़ी बड़ी मछलियाँ जैसे व्हेल्स, शार्क्स सब मर गए। कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, कई घर, पूरा गांव, कितने लोग डूब जाते हैं, जैसे अभी केरल में हुआ। कभी आंधी, तूफान, सुनामी आदि आ जाती है, भूस्खलन, ट्रेम्बलेमेंट दे टेर, ग्लिसमेंट दे टेर हो जाता है। ये सब आदि दैविक ताप है, दुख है। अब जो तीसरा दुख है, तीसरा ताप है, उसे आध्यात्मिक दुख या ताप कहते हैं। यह जो दुख है वह हमारे ही शरीर में, हमारे ही भीतर होता है, जैसे क्रोध, लोभ, लालच, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष आदि। इन तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से दुखी होकर मनुष्य प्रार्थना करने लगता है, ओम शांति 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 ही। और प्रार्थना में हम तीन बार शांति बोलते हैं, अर्थात हे प्रभु, हमें इन तीनों प्रकार के दुखों, तीनों प्रकार के तापों से छुड़ा कर शांति दीजिए, क्योंकि बिना शांति के जीवन बेकार है। जैसे शांति के लिए केवल परमात्मा का शरण है, वैसे अशांति के लिए भी एक विशेष स्थान है, एक विशेष जगह है, और वह जगह है मनुष्य का मस्तिष्क, मन। मनुष्य शांति की तलाश में कहाँ कहाँ मारा नहीं फिरता है, कहाँ कहाँ नहीं भटकता है, अनेक देशों में, तीर्थ स्थानों में जाता है, एकांत में, कभी विषयों में तो कभी शराब की बोतलों में ढूंढता रहता है, परंतु उसे शांति कहीं नहीं मिलती, क्योंकि शांति तो खुद उसी के अंदर, उसी के मन में छिपी बैठी है। बस बुद्धि से, ज्ञान से उसे तलाशने की आवश्यकता है। शांति का निवास स्थान तो मन में है। एक कहानी याद आ गई। एक बार एक हिरण जंगल में पानी पीने निकला। जब वह वन में पानी तलाश कर रहा था तो उसने एक भीनी भीनी सी सुगंध पाया। उस सुगंध ने उसे इतना आकर्षित कर दिया कि वह चारों ओर उस सुगंध को ढूंढने लगा और बेसुध भागता रहा। इतने में शिकारी आया और गोली मार दी। पता है, वह कस्तूरी महक तो खुद उसकी नाभि से आ रही थी। दर्शकगण, इन सभी दुखों का कारण क्या है? तो हमारी अज्ञानता, हमारी अविद्या। जैसे जब बच्चे को एक खिलौना चाहिए और जब उसे वह खिलौना नहीं मिलता है तो वह दुखी हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। किसी के पास भोजन नहीं है, वह दुखी है तो वह चोरी करता है, पकड़ा जाता है, जेल हो जाती है, वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। यह दुख को बनाने वाले कोई और नहीं है, हम ही हैं। हम ही तो इन दुखों के आशितक हैं। तभी तो कहते हैं, nous sommes nous-mêmes les artisans de notre propre malheur। इसी को कहते हैं अज्ञानता, अविद्या। और अज्ञानता, अविद्या से क्या प्राप्त होता है? अशांति। और अशांति क्या है? अशांति दुख है। और शांति क्या है? शांति सुख है। आज हम जिधर भी देखते हैं, सभी लोग लोभ लालच में फंसे हुए हैं, संग्रह कर रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं। एक और शिक्षाप्रद कहानी सुनिए। एक किसान बैलगाड़ी द्वारा बोरियों में भरकर गेहूं ले जा रहा था। दुर्भाग्यवश उनमें से एक बोरी फट गई और काफ़ी गेहूं नीचे बिखर गया।
इतने में कुछ कौवे आए, खाए और चले गए। बंदर आए, खाए और चले गए। बाद में दो मनुष्य आए, सब बटोर कर घर ले गए। कुछ दिनों तक खाए, बाद में कीड़े पड़ गए, उठाकर फेंक दिए। तो आपने देखा ना, जानवरों ने कुछ खाया, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया। पक्षियों ने कुछ खाया, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया। लेकिन मनुष्य लोभ में फंसकर किसी के लिए भी नहीं छोड़ा। कुछ खाया, बाकी उठाकर फेंक दिया, केवल अपनी भलाई। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति 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 ही।